This video is sponsored by Presidency English Medium Public School. Admission are open. Naseeb Hotel, Tea Point and Tiffin Center. आज वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे है, यानी अपने पेट का सबसे इम्पोर्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डे है। उस बिना पे हमने आज डिसाइड किया था कि बसव कल्याण में हमारे डे के लिए कैंप फ्री कंसल्टेशन कैंप रखेंगे, सो दैट हमारे जितने भी बसव कल्याण के वासी हैं, लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसका फ़ायदा उठाएँ। वही उम्मीद थी कि इस वजह से हमने इस कैंप को मुनक़िद किया था। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ रज़ा अहमद है और मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रो सर्जन हूँ गुलबर्गा में। तो उस हॉस्पिटल से लिंक करते हुए हमने ये हॉस्पिटल एक मुनक़िद किया है कैंप को। आज हमने अराउंड 250 से 300 तक पेशेंट देखे हैं और इस कैंप को जो मुनक़िद किया है, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन किए, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ दिल से। और हमारे डॉक्टर्स जो भी हैं, जो हेल्प किए, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर कंडक्टिंग दिस वंडरफुल इवेंट। तो इसमें ऐसे कई पेशेंट्स आपको मिले होंगे जिनका कोई ऑपरेशन वगैरह का कुछ है? बहुत सारे पेशेंट्स मुझे मिले हैं जिनको ज़रूरत है ऑपरेशन की, मैंने उनको एडवाइस किया है और जब भी वो आएंगे हम उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देके उनका अच्छे से अच्छे इलाज करेंगे। और मैंने जितने भी आज पेशेंट देखे हैं, बहुत ज़्यादा जो डाइजेस्टिव सिस्टम से अफेक्टेड हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस हैं, गैसेस हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब्ज़ का बीमारी है, उन सबको मैंने ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये सब हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं। अगर कि हमारी लाइफस्टाइल अगर कि अच्छी रहेगी, अगर कि हम अपनी लाइफस्टाइल उम्दा रखेंगे, एक लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, अगर कि लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे रूटीन अपना, फूड हैबिट्स अच्छे से मेंटेन करें, टाइम पे रात की नींद अच्छी रखें, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स लें, आउटसाइड फूड अवॉइड करें, इससे मैक्सिमम 99% हमारे जो भी गैसेस और जो भी पेट के बीमारी अमराज हैं सब इसी से चला जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने जितने भी पेशेंट को जैसे एंडोस्कोपी की नीड है या नहीं तो थोड़े सर्जरीज की नीड है, उनको मैंने अपना एड्रेस बताया है, उससे वो अगर के वो उसका यूटिलाइज करेंगे तो हम उससे बेस्ट से बेस्ट उसको और अच्छा उमदा एक ट्रीटमेंट, एक सुपर स्पेशलिस्ट वाला ट्रीटमेंट हम उनको देंगे। अब मैंने अभी ये जितने भी पेशेंट्स थे उसमें से थोड़े से मिस डायग्नोस हुए हैं, जैसे कार्डियक के मेडिकेशन यूज़ किए हैं, लेकिन उनका ECG टोटली नॉर्मल है। जैसे उनको चेस्ट पेन होता है गैसेस से, चेस्ट पेन एक नॉर्मल सिम्टम्स आता है रिलेटेड गैस से होता है चेस्ट पेन, तो ऑल चेस्ट पेन इज नॉट रिलेटेड टू कार्डियक, मतलब दिल से रिलेटेड नहीं रहते, गैस से भी होता है, गैस छाती तक जा सकती है, यानी रेडिएट हो सकता है वहाँ पे। तो ये भी एक एसिडिटी का है, मैंने उनको बताया ये एसिडिटी है, आप इससे ऐसे ऐसे कीजिए और ये टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए, आप ठीक रहेंगे। तो एक 5-6 पेशेंट का मैंने कार्डियक मेडिकेशन जो अननेसेसरी चल रहे थे उनका बंद किया है, फिर भी मैंने उनको बुलाया है और उनको थ्रोली वायलेट करेंगे कार्डियक से छुटकारा है या नहीं, मिस डायग्नोस हुआ या प्रॉपर डायग्नोस करके उनको देंगे और उनका बेस्ट से बेस्ट इलाज करेंगे। मेरी तो यही गुजारिश है सब बसव कल्याण के लोगों से कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छे से अच्छे मेंटेन करें, डे टू डे रूटीन एक्टिविटी अच्छे से मेंटेन करें। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रात की नींद। रात की नींद इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मेंटेन करेंगे तो हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ रहेगा और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहेगा डाइजेशन के लिए। अगर ये नींद उमदा नहीं रहेगी तो जो खाना हमने अभी इस दिन जो खाया है वो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा और नेक्स्ट डे के लिए रेडी नहीं होगा। सो kindly maintain good lifestyle so that we can maintain our digestive system. Digestive system एक ऐसा है, इसी से ज़्यादा सर मुख्तलिफ बीमारियाँ यहाँ से स्प्रेड होते हैं। तो अपना digestive system maintain करें, अपना जो भी रिजाई है उसको अच्छे से रखें, बस यही मैं अपना एक मैसेज देना चाहूँगा। 7 to 8 hours नींद की रिक्वायरमेंट आफ्टर 15 to 20 ईयर्स ऑफ एज। बिफोर दैट इट्स डिफरेंट टू डिफरेंट एज, जैसे यंग एज एडोलेसेंट्स में अप टू 9 to 10 hours चाहिए, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज 7 to 8 hours की नींद बहुत ज़रूरी है, दैट टू बी नाइट। आफ्टरनून की स्लीप बेकार है और कुछ हेल्प नहीं करेगी हेल्थ में।